इधर स्नो हो रही है, इधर ये हो रहा है, इधर पहाड़ी पहाड़ी नहीं हो रही, मेरी फट मेरी फट हो रही है, यू नो बुलाओ तो चक्कर मेरे पता को यहाँ पे पानी लगा हुआ तो जम गया। हाँ जी यार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो तो यार उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डेली ब्लॉगिंग तो मैं करता नहीं हूँ, पर उसकी प्रैक्टिस तो ज़रूर मैं कर सकता हूँ ना, राइट, प्रैक्टिस करना तो अलाउ है ना। तो इंशाल्लाह जब फ्यूचर में मैंने डेली ब्लॉगिंग की तो एटलीस्ट मुझे आइडिया होगा कि डेली ब्लॉगिंग होती कैसी है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको क्या दिखाऊंगा, शिकागो की सर्दी और अच्छी खासी स्नो हो रही है अभी। आज जो है ना बाहर वेदर होगा -8 फारेनहाइट, विच इज़ इक्वल टू -20 सेल्सियस, लाइक -20 सेल्सियस। इमेजिन करो हमारे मुल्कों में होता है 35 सेंटीग्रेड, -20 सेंटीग्रेड होगा आज। यार मैं तो गिर गया था, एक सीढ़ी मैंने छोड़ दी। खैर तो बाहर दिखाता हूँ, ये मैंने जान के स्टंट किया था। तो खैर आप लोगों को बाहर का भी व्यू दिखाता हूँ इस साइड का। तो अच्छा डेली ब्लॉगिंग वैसे ऐसे ही करती हूँ, कैसे करती हूँ तो ये चेक करो भाई। और अच्छी खासी ठंड है मेरी जो है ना, हालत टाइट हो जाएगी, कुछ भी नहीं पहना हुआ। ये हमने जो है ना ग्रिल रखी हुई है, अल्लाह अकबर, ये पाइन बर्फ फ्री च हैगी, जिस जिस नु लेनी है आके ले लो। और यहाँ पे अच्छी खासी स्नो हो रही है, और अगर आप मेरी शक्ल देख सकें तो मुझे जाना खांसी भी लगी हुई है और बहुत सख्त जो है ना एक ठंड लग रही है। बट खैर है, एक ब्लॉग तो बनता है, क्योंकि अगले जब मैं 50 साल बाद देखूँगा ना तो मुझे याद होगा कि मैं कितने ज़्यादा ठंड में जाना रहता था। तो अभी जो है ना आप लोगों को बाहर लेके जाता हूँ, बाहर थोड़ी सी गाड़ी की सैर वगैरह कराता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में कोई भी कट वगैरह ना लगाऊं, क्योंकि जब वो डेली ब्लॉगिंग करते हैं अक्सर उनके कट वगैरह नहीं होते। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको रख देते हैं यहाँ पे। ओए ओए, अबे यार डेली ब्लॉगिंग करना कोई आसान सीन नहीं है, शायद मैं काला नज़र आ रहा हूँ, बट दैट्स फाइन, खैर कोई बात नहीं। यार बहुत सारा ठंड है यार अंदर, घर में भी मुझे ठंड लग रही है। तो अभी टेम्परेरी हम क्या करते हैं, छोटे मोटे हम जूते पहन लेते हैं ताकि जो है ना थोड़ा सा कवर हो जाए। तो और आप लोग सुनाओ क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, कभी इतनी ज़्यादा ठंड में आप लोग रहे हो, नहीं रहे ना मुझे पता। तो अच्छा ये इसकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, उसकी नहीं यार, ये देखो एक देसी घरों में जो है ना हम लोग यूँ करते हैं, ये ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको मैं दिखाता हूँ कि हम जो है ना सुबह उठ के पाकिस्तान में कहते हैं कि बड़ी ऐयाशी कर देनी, पर क्या ऐयाशी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि ये बंदा जो है ना आके साफ़ करके चला गया, ये उसकी एसोसिएशन वालों की मेहरबानी है, मेहरबानी भी क्या पैसे देने पड़ते हैं हम लोगों को। ये सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है, और ये देखो अच्छी खासी माशाअल्लाह स्नो हो रही है, इतनी ज़्यादा ये स्नो इधर भी पड़ी हुई है। और पायन पुलिस आ रहा है, की हाल है अंकल जी। अच्छा ये गाड़ी की हालत हुई हुई है, अभी इस गाड़ी को हम क्या करेंगे साफ़, लाइक ऐसे करके सुबह उठ के हमें साफ़ करनी पड़ती है ऐसे करके। तो वाह यार कसम खुदा की, अरे ये देखो नीचे देखो। तो ये यार बड़ी ही आसान और अच्छी ज़िंदगी है, बट मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि लोग जो है ना उधर स्पेशल मरी में देखने जाते हैं, हमें ये हर रोज़ नज़र आ जाती है। तो खैर वैसे ही मुझे बाद में साफ़ तो करनी थी, तो मैंने कहा वाई नॉट इसको रिकॉर्ड ही कर लूँ, एक ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरी फ्यूचर की मेमरी भी बन जाएगी। डिस्काउंट ऐसे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा ये अभी मुझे मज़ा आ रहा है इसको साफ़ करने में, क्योंकि वही इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी जो है ना खाली वो रुई की तरह बनी हुई है, पर जो है ना ये शाम तक बिल्कुल जब और ज़्यादा ठंड होगी तो ये जम जाएगी बिल्कुल। तो यस सर, ओह अच्छा ये वाली साइड रहेगी है, इसको भी कर देते हैं अभी। ओके अच्छा ये चेक करो, पूरी की पूरी ये साफ़ हो गई है, और इतनी मोटी बर्फ़ अभी तकरीबन आई थिंक आधे घंटे या घंटे में हुई है, क्योंकि मैंने पहले पहले गाड़ी साफ़ की थी थोड़ी देर पहले। ओए अभी स्लिप होने लगा था मैं, चेक करो भाई इधर पूरी भर चुकी है, और अब मेरे से बोलने भी नहीं हो रहा। अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी स्नो साफ़ कर ली है, और गाड़ी में बैठ के हम पौड़ी करेंगे। तो एक बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, और गाड़ी की जो है ना मसला पता क्या हो जाएगा, अभी ये चक्कर अंदर भी हुई है, अब उसी से साफ़ करके और काम ख़राब हो जाएगा मेरा। ओए मैं बैठूंगा किधर भाई तेरिया खैरां, खैर कोई बात नहीं चलता है सीन। गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे, यार ये फरारी फरूरी तो नहीं है मेरे पास, ये छोटी सी लैम्बर्गिनी है। ओ शेट अच्छी खासी ठंड है भाई,
अभी अल्लाह करे गाड़ी निकल जाए बाहर। ओह शिट, देखा इंसान जल्दी जल्दी में काम करे ना तो यूं होता है कि वाइपर ऊपर किए हुए थे, नीचे करना ही नहीं याद रहे। एक दो माय गॉडनेस। तो अभी मैं जा रहा कहाँ हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। मैं बेसिकली टेक्निकली तो व्लॉग बनाने आया था क्योंकि मुझे एक मेमोरी बनानी थी इस सर्दी की। अभी मेरे बाल बिल्कुल जो है ना वो जम गए हैं, लाइक बर्फ़ नहीं बन जाते, गाड़ी के अंदर भी धुआं निकल रहे हैं। माशाल्लाह सर, आप लोग बाहर के सीन देखो ना। बाहर के सीन कहाँ से देखोगे आप? अच्छी खासी स्नो हो रही है इधर। अच्छा मैं तो पानी मारता हूँ, मैं पानी भी नहीं निकलने का नाम ले रहा हूँ। ला ला ला, ओए ये कौन है? हेलो अंकल, क्या हाल है आपके? अच्छा आंटी थी, सॉरी नेवर माइंड, फुल कर दो इसको अरे भाई। अच्छा अभी मैंने वो चलाया है तो बड़ी सख्त टांगों पे ठंड लग रही है मुझे। और ओए भाई आज तो गाड़ी नहीं चलती मेरे से क्योंकि स्लिप हो रही है, ये चेक करो। ओए ये बेसिकली जो आगे स्नो थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी ना वो उठ रही है, उठ के ऊपर आ रही है। तो भाई इसमें तो गाड़ी मेरे से ये नहीं चलेगी। अच्छा मसला पता है क्या, एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे अगर मौसम अगर हो ना यहाँ पे तो यहाँ पे कामयाब जो गाड़ी होती है वो होती है SUV या जीप, जैसे ये अभी जा रही है ना, ये ऐसी गाड़ियाँ कामयाब हैं इन एरियाज में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो होती है इधर। तो मैं तो खाली वैसे निकला था ये थोड़ी सी मेमोरी बनेगी, पर गाड़ी स्लिप हो रही है और मैं अभी जा नहीं सकता कहीं क्योंकि वैसे मुझे वॉलमार्ट जाना था। मैंने सोचा था जेन में कि मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, बट द थिंग इज़ वहाँ हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है तो 7 मिनट का व्लॉग हो गया है विदाउट कटिंग के, तो या अभी हम वैसे ही वापस हो। ओए ओए भाई अभी पता क्या, ब्रेक मारी है ना मैंने तो स्लिप होना शुरू हो गया, ऐसे जैसे कश्ती चला रहे हैं हम लोग। तो उधर उधर का एरिया नहीं दिखाता क्योंकि फिर आप लोगों को जो है ना उधर के पता चल जाएगा मल्ला कहड़ा है मेरा, मल्ला गंज पक्ष है ये कहड़ा। तो जितों की खोती उत्थे ही आन खलोती। ठीक है तो गड्डी में इतने खड़ा कर दिया था असी कि सानू नहीं चलान आती साढ़े को, नहीं बेसिकली चल जाती है गाड़ी, दथिंग इसकी मैं नहीं चलाना चाहता। तो आगे आऊँगा वापसी उधर और ज़्यादा जाना वो होगी स्नो वगैरह। तो ये बिल्कुल घर के सामने हम लोगों ने पहाड़ खरीदे हुए हैं, K2 के आप बोल दो ये जिस चीज़ की मर्जी, तो अच्छे खासे पहाड़ हैं और ये माशाल्लाह से पूरी की पूरी स्नो है और हाथ जैसे उस दिन जम रहे थे उस तरह जम रहे हैं। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है और ये पूरी की पूरी जो है ना बर्फ़ में लिपटी पड़ी है। बर्फ़ की जगह बर्फ़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब पता क्या है? मुझे भी अच्छी खासी ठंड लग रही है। तो वो यार बड़ा फिट डायलॉग था कि इधर स्नो हो रही है, इधर ये हो रहा है, इधर फाड़ी नहीं हो रही, मेरी फट हो रही है, यू नो अच्छी खासी। मुझे अभी जो है ना बेसिकली जो दिखाना है ना आपको वो उधर दिखाना है, कोशिश करूँगा ये 10 मिनट का व्लॉग वो ख़त्म हो जाए जल्दी जल्दी। तो अगर आपको नहीं देखना तो बेटा देखो, मैं अपने लिए मेमोरी बना रहा हूँ क्योंकि जब फ्यूचर में देखूँगा पता नहीं कहाँ पर होगा कहाँ नहीं, तो एटलीस्ट मुझे याद होगा कि मैं देखो कहाँ पर रहता। तो ये चेक करो, ये देखो ये बीच में रास्ता बनाया उन्होंने, भाई साहब ने बड़ी मेहरबानी। और पता क्या, अभी मैं बोल रहा हूँ ना मेरे मुँह से जो पानी वगैरह निकल रहा है ना वो बर्फ़ बन रही है, मेरी वो नोज़ी भी बर्फ़ बन रही है, इतनी सख्त ठंड है। अब मुझे नहीं पता कि आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी कि नहीं आ रही। भाई मैं अंदर जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार ये मेरी व्लॉग देखने का। तो इस व्लॉग को अगर मैं अपलोड कर दूँगा इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा हूँ। व्लॉग तो चक्कर मेरे, मुझे पता कि यहाँ पर पानी लगा हुआ तो जम गया, पता नहीं मेरी शक्ल सही नज़र आ रही है कि नहीं। तो यार ये ज़िंदगी है यार, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसे लोगों को कभी हर बंदे को नहीं मिलती जीने की। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौसम सारे अल्लाह के हैं। पर अब चॉइस तो मेरी थी ना यहाँ रहना, तो उन बुक तो पुत्र तो अभी जहाँ के अंदर जाना कपड़ा करूँगा। और अच्छा एक अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि हर घर में ना वो हीटिंग सेंट्रल सिस्टम होता है, तो उसमें यह है कि आपको ठंड नहीं लगती। ठंड तो नहीं लगती पर जाना मेरे कान अच्छे खासे हो गए। हो ये देखो ये घर के साथ है। माय गुडनेस भाई भाई मारो, ये चेक करो वो अंदर आ गया। इधर इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट जाना यहाँ पे होते रहते। ओह
यार ये व्लॉग के चक्करों में जो है ना, तो यार खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग मेरे साथ बाहर गए थे, वो दरअसल ऐसे किया कि ताकि थोड़ी बहुत रोशनी है यहाँ पे क्योंकि फिर भी काला हो रहा था। तो यार थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये व्लॉग अपलोड हो गया इसका मतलब कि मैं जिंदा हूँ। और आज जो है ना -20 सेल्सियस होगा। ये शिकागो की मेरी हिस्ट्री जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, आई थिंक ये पहली दफ़ा हो रहा है कि -20 सेल्सियस होगा, मतलब कि 8 फॉरेनहाइट होगा, -8 फॉरेनहाइट होगा। तो रिकॉर्ड इसलिए किया ताकि फ्यूचर में जब मैं देखूँगा मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो इट्स ओके, ये मैंने अपने लिए बनाया है ताकि मैं फ्यूचर में देखूँ, क्योंकि मुझे मेमरीज बनाने का बहुत शौक है। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए, होपफुली फ्यूचर में इससे अच्छे ब्लॉग आएंगे डेली अगर मैंने बनाए तो। थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो, बाय। और सर्दी है बहुत अगर आप शिकागो या कहीं आगे पीछे रहते हो तो। थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय।